बजट में मोटरसाइकिल सवारों के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम लाए जाने का ये इम्कान है। सस्ता पेट्रोल स्कीम पर IMF को एतमाद में लेने की कोशिशें भी जारी हैं, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, आज बिल्कुल वफाकी बजट में मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो है सस्ता पेट्रोल की स्कीम लाने का इम्कान जाहिर किया गया, और ज़राए के मुताबिक सस्ता पेट्रोल स्कीम पर IMF को एतमाद में लेने के लिए भी हुकूमत की जानिब से जो है वो कोशिशें की जा रही है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने सब्सिडी देने के लिए तजावीज़ तलब कर ली है। वज़ीर आज़म की हदायत पर कायम की गई 7 कमेटियाँ आज सिफारिशात पेश करेंगी, और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पहले भी कहा जा चुका है कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो है सस्ता पेट्रोल स्कीम मुतारफ करवाई जाएगी, क्योंकि मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से एक आम जो शहरी है उसे ज्यादा जो है वो खासा मुतासर हुआ है, जिसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया था कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 रुपए फी लीटर तक और जो है वो सस्ता पेट्रोल फ्राहम किया जाएगा। और इस हवाले से जो बजट में इस बार जो है मोटरसाइकिल सवारों के लिए सस्ता पेट्रोल की स्कीम लाने का इम्कान जाहिर किया गया, और IMF से जो है वो इस स्कीम के तहत इस स्कीम के हवाले से जो है बात भी की जाएगी, और IMF हुकाम को एतमाद में भी लेने की कोशिशें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।